और दासी से शुद्ध कहा, दासी आप हमारे महाराज को बुला करके ले। और दासी ने एक बात सुनी तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, पत्नी के पास पहुंचे, कहने लगे बताओ रानी। रानी कहने लगी महाराज आप जानते हो कि अपने घर में बेटी शादी की योग्य हो गई है, और जब घर में बेटी शादी की योग्य हो जाती है तो माँ बाप की खुशी इस बात में होती है कि बेटी के लिए अच्छा सा घर भर बन जाए, माँ बाप को सुख मिलता है। जब घर में एक बेटी के हाथ पीले हो जाते हैं भक्तों, महाराज भीष्म कहने लगे ठीक है रानी, हम अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। धीमे 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 भक्तों सुने का बात हुआ, महाराज भीष्म की सभा लगी हुई थी। महाराज भीष्म ने सबसे पहले इसी बात को रखा भक्तों, अगर किसी की समझ में कोई लड़का है, अगर कोई अच्छा राजा है तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। सबसे छोटा पुत्र खड़ा हो गया, पिताजी अगर मेरी समझ में कोई लड़का है, मेरी बहन के लायक बहुत अच्छा है। कौन है? हेलो, वो है द्वारिका का कृष्ण। बेटा आपने तो हमारी मुंह की बात सुना ली, अरे यही तो हम कहना चाह रहे थे कि वो द्वारिका का कन्हैया मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब इस बात को हुकुम ने सुना खड़ा हो गया, पिताजी क्या बतलाया है, हमें लगता है तुम्हारी बुढ़ापे के साथ साथ बुद्धि भी बुरी हो गई, और आप नहीं जानते हो जब बाप की जूती बेटे के पैर में आ जाती है तो उस समय बाप की नहीं बेटा की चलती है, और आप कह रहे हो कि वो द्वारिका का कन्हैया मेरा बहन ही बन कर गया, उसकी औकात बताओ। और बोला है वो महाराज कि अरे पन पन मन ताई चलाए,